दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा दो और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूं खीरे की खेती के लिए हेलीकॉप्टर डोज। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय मेरे पास व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, खेती का काम चल रहा है, थोड़ा मकान फार्म पर बन रहा है, तो आपके लिए कुछ नए नए वीडियो जल्दी नहीं दे पा रहा हूँ। तो इस समय 2-3 दिन में एक वीडियो ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। इस समय खेत की भी तैयारी चल रही है तो कंप्लीट करना है। मैं समय बंदा अंदर लगाने की कोशिश में हूँ, सोच रहा हूँ गर्मियों में बंदा वगैरह लगा के देखूँ। तो चलिए शुरू करते हैं खीरे की खेती के बारे में। खीरे की खेती एक सलाद की बहुत अच्छी फसल है, इसका बेहतरीन उत्पादन है। अच्छे से अच्छी क्रॉप अगर आपको लेनी है तो खीरे की खेती में बहुत ज़रूरी होता है कि आप इसकी मचान पर, इसकी तार बांस पर इसकी बंधाई कर दें। खीरे की खेती में बंधाई का बहुत सारा खर्चा नहीं होता है, बहुत कम खर्चे में काम चलता है। और अगर आप इस खेती को मल्चिंग पे करेंगे, बेड बना के, तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है फसल। वैसे ज़्यादातर जो मैंने देखा है आम किसानों को, खासकर बुंदेलखंड में जो खेती होती है हमारे यहाँ, वो तो क्या होती है कि किसान प्लेन ज़मीन पर ऐसी खीरे की खेती करता है, तो उससे क्या होता है कि एक तो बहुत सारे कीड़े उसमें होते हैं, वो ख़त्म नहीं हो पाते, दवा अच्छे से काम नहीं कर पाती, प्लस तोड़ाई करते समय बेलें टूट जाती हैं, पचक जाती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 दिन के बीच में ये हार्वेस्टिंग, इसकी तोड़ाई शुरू होती है, और 20 से 25 दिन, मस्के से 30 दिन इतना ही चल पाता है, उसके बाद खीरा ख़त्म हो जाता है। अगर आप इसको बेड पे करते हैं, मल्चिंग पे करते हैं, या ड्रिप जैसी व्यवस्था देते हैं, बंधाई करते हैं, तो ये 2 महीने से लेकर 3 महीने तक आराम से चलता है। 60-65 दिन 70 दिन लगातार तोड़ाई मैंने की है, उसके बाद मैंने इसकी कटाई करवा दी। लेकिन ये लंबे समय तक जा सकता है, क्योंकि जिस समय मैंने कटाई इसकी फसल की करवाई थी, उस समय फसल बढ़िया बेहतरीन थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब वो आगे तक चलती रहती थी। कुछ कारण थे, मैंने उसको खाली करवा दिया था रेट वेस्ट की इसकी मतलब वजह से। तो ये खेती बहुत अच्छी है, और अगर आप करना चाहें तो उसको कर सकते हो। उसको हैवी उत्पादन अगर आपको लेना है, खीरा बेहतरीन न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए होता है, और अगर आप इसकी हैवी उत्पादन चाहते हैं तो अपनी फसल में आप इस डोज का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप इस डोज का उपयोग करेंगे, आप जितना अभी तक उत्पादन ले रहे हैं, बहुत अच्छा उत्पादन अगर आप ले रहे होंगे अभी तक, तो उससे 1.5 गुने की मैं गारंटी देता हूँ कि उत्पादन 1.5 गुना जाएगा। और अगर आपने आप एक सामान्य तरीके से अगर खेती करते हैं, तो सामान्य खीरे का उत्पादन होता है, अगर उस तरह से ले रहे हैं तो ये 2 गुना चला जाएगा, 2.5 गुना तक चला जाएगा। ऐसा मेरा अपना अनुभव, और मैं ये हमेशा करता रहता हूँ इसको इस्तेमाल। तो आप भी इसका इस्तेमाल करिएगा, और खेती को अगर आपको लंबे समय तक चलाना है खीरे को, तो इसे डालिएगा। और ये जो डोज मैंने बनाई है 1 एकड़ की खेती के लिए है, कि आपकी फसल 1 एकड़ में जो होगी उसके लिए है, और ये तब के लिए है जब आपने मिट्टी में पहले से कोई खाद या बेसल डोज वगैरह ना डाला हो। खीरे की खेती के लिए 1-2 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जो आपको जान लेना और दिमाग में बिठा लेना बहुत ज़रूरी होता है। खीरे की खेती में कैल्शियम और मैग्नीशियम एक प्रमुख तत्व की भूमिका निभाते हैं। तो अगर इस समय आप खीरे की खेत की, ज़्यादातर मेरा मानना है कि किसान तैयारी कर रहे होंगे इस समय खीरे की खेत की, तो डिटेल से वीडियो मैं अभी इस समय आपको नहीं दे पा रहा हूँ, और कोशिश करूँगा अगर टाइम मिलेगा तो पूरी डिटेल की जानकारी दूँगा। फिर भी आप उसमें, अगर आपके खेत में कैल्शियम की कमी हो तो आपको उसमें थोड़ा चूना या डोलोमाइट वगैरह डाल लेना चाहिए। अगर नहीं डाल पा रहे हैं या ऐसा आपको लगता है कि कमी नहीं है, फिर भी आप कैल्शियम के लिए बेड बनाने से पहले उसमें सिंगल सुपर फास्फेट आपको 1 एकड़ में 3 बोरी के हिसाब से, 1.5 क्विंटल या 2 क्विंटल के हिसाब से फेंक ही देना चाहिए। उसमें कैल्शियम काफ़ी अच्छा होता है, वो नुकसान भी नहीं करेगा आपकी खेत को, और फायदा भी अच्छा कर जाएगा। प्लस आप उसमें मैग्नीशियम अगर मिलता है, जैसे इसकी आती है केमैक के नाम से, मोजिक की एक बोरी आती है, उसमें मैग्नीशियम, पोटास और सल्फर होता है, अगर वो मिलती है तो 50 खीरे में 1 क्विंटल के हिसाब से आपको 4 बोरी 25 किलो का पैकेट आता है, केमैग नाम होता है उसका, तो उसको आपको फेंकवा देना चाहिए। खीरे में मैग्नीशियम बहुत अच्छा रोल निभाता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम प्लस बोरान, ये 3 तत्व तो खीरे के में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपकी फसल को लंबा चलाने के लिए, और साथ साथ आपकी आपका फसल सुडौल हो, मीठा हो, सॉफ्ट हो, मुलायम हो, कुरकुरा हो, और अच्छा उत्पादन दे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फूल ना झड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा
उसमें फल उतरे, इसके लिए ज़रूरी होता है कि तीन चीज़ों का मैनेजमेंट आप अच्छे से कर सकें। बोरान की भी काफ़ी आवश्यकता होती है। चलिए हेलीकॉप्टर डोज की बात करते हैं। आप अगर आपने नहीं डाला है तब भी ये डोज काम करेगी और बेहतरीन करेगी, और कैसे कैसे करेगी चलिए इसको समझ लीजिएगा। इसको इसका आपको आप इसका इस्तेमाल करेंगे बुवाई के 15 से 20 दिन बाद, जब आपकी पौध 4 से 6 पत्ती पे हो। 4 पत्ती के पहले आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए, डालिएगा भी मत। जब 6 पत्ती 5 पत्ती 6 पत्ती 7 पत्ती पे आपकी पौध हो तो उस समय 6 पत्ती पे लगभग लगभग 20 दिन या 25 दिन का टाइम होता है। लगभग इस समय सर्दियों में जिनकी बुवाई हो गई होगी उनकी 20-25 दिन में आएगी। जिनकी बुवाई इस समय हो रही है फरवरी के पहले हफ्ते में, उसमें 5 और 6 पत्ती आराम से आ जाएगी 15 दिन के अंतराल पर, क्योंकि 4-5 दिन में उसकी स्वयं होगी। वह तेज़ी से खीरा ग्रो करता है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि मोटा मोटा 15 से 20 दिन बाद या 5 से 6 पत्ती के बीच में, 4 से 6 के बीच में आप इस डोज को डाल सकते हो। उस समय आपको डालना क्या है कि आप 3 किलो हुमे 63 और 30 से 40 किलो DAP और मात्र 10 किलो यूरिया। DAP का घोल बनाइए, 200 लीटर पानी में 4-5 किलो गुड़ घोल के रखिएगा। 1 एकड़ में अगर डालना है तो आप ऐसा समझिए कि 200 लीटर पानी में कम से कम 1 एकड़ के लिए 6-7 किलो गुड़ घोलिए उसमें। अगर 1 ड्रम में घोल बनाते हैं, अगर 2 ड्रम में बनाते हैं तो 5-5 किलो गुड़ घोल के रख दीजिएगा। 2 ड्रम में तो 10 किलो गुड़ के लगभग हो जाएगा, और उसको 6-7 दिन रखा रहने दीजिए अच्छे से। 6-7 दिन जब वो रखा रहे उसके बाद DAP को अलग से ड्रम में घोल के, अलग पानी में घोल के उसी ड्रम में मिला दीजिए। यूरिया को अलग से घोलिए, उसी ड्रम में डाल दीजिए 10 किलो को। 30 से 40 किलो 10 किलो यूरिया मिलाएंगे, 30 से 40 किलो DAP मिलाएंगे, और कम से कम 3 किलो हुमे 63 मिला के पूरे का घोल बनाइए। और लगभग कितना लगेगा आपको इतना अनुमान कर लीजिए। अगर आप बेड पे काम कर रहे हैं, बेड पे बना रहे हैं, तो 1 एकड़ में कितना पौधा आएगा जी, आप एक बेड की गिनती करके सारे बेडों को आराम से गिना जा सकता है। इसका भी बड़ा अच्छा सिस्टम होता है। जब कोई काम आप जब सिस्टम से करते हैं तो आपको एक एक पौधे का उत्पादन मिलता है, एवरेज देख पाते हैं, एक पौधे की फल की ग्रोथ देख पाते हैं, उसका सिस्टम समझ पाते हैं, कितनी खाद लगेगी, कितनी दवा लगेगी, सारी चीज़ें। तो अगर बेड पे तो आप आराम से समझ जाएंगे कि इतने पौधे और कितना लगना है। पर पौधे में 200 ml से लेकर 300-400 ml पानी आप पर पौधे उसमें डलवा सकते हैं। जैसे ही आप इसमें डलवाएंगे आप देखेंगे 4-5 दिन में आपकी फसल बिल्कुल एकदम स्पीड बना देगी। तो पहली डोज आप डालेंगे 15 से 20 दिन में, दूसरी डोज आप डालेंगे 30 से 35 दिन में, मतलब इसके 15 दिन बाद। 15 दिन इसको काम करने दीजिए, 15 दिन बाद आप दूसरी डोज डालेंगे, उसमें 2 किलो हुमे 63 होगा और 20 से 30 किलो DAP होगी। DAP को 10 किलो घटाइए, इसको घटाते चले जाइए हर बार में 20 से 30 किलो DAP, और यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी यहाँ 20 से 30 किलो हो जाएगी। और चौथी नई चीज़ इसमें ऐड हो जाएगी, सल्फर 3 किलो, 1 एकड़ के लिए 3 किलो सल्फर। इन सारी चीज़ों को उसी तरीके से अलग अलग घोल के ड्रम में मिला के और दूसरी डोज डालिएगा आप। तीसरी डोज आप डालेंगे 45 से 50 दिन में, खीरा तोड़ाई पे होगा उस समय। ज़्यादातर मान लीजिए संभावना ये होती है कि 45 से 50 दिन में ज़्यादातर के 99% खीरा तोड़ाई पे आ जाता है, पहली हार्वेस्टिंग दे देता है, एक 2-2, 4-4 फल उसमें आ जाते हैं। उस समय खीरे में ज़रूरत होती है 2 किलो हुमे 63 और DAP को घटाइए 10 से 20 किलो करिए, और 20 से 30 किलो इसमें नई चीज़ आप जोड़ेंगे, 20 से 30 किलो यूरिया करेंगे। और इसमें मैं एक चीज़ लिखना भूल गया यहाँ पे, ये 50 दिन में ज़रूरी है आपको पोटाश K2, इसमें आप 20 से 30 किलो पोटाश जोड़ेंगे 45 से 50 दिन के बीच में, 20 से 30 किलो पोटाश और 3 से 5 किलो मैग्नीशियम। अब यहाँ से ऐड कर लीजिएगा अगर आपने उसमें नहीं डाला है, और अगर आपने पहले से डाला है तो मैग्नीशियम की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा, और सल्फर की मात्रा 3 किलो से कम कर लीजिए, 2 किलो कर लीजिए। और ये एक आपकी डोज बन गई, आप इसे समझिए। मैं पोटाश बीच में लिखना भूल गया था, तो ये पोटाश इसमें जब 45 से 50 दिन की फसल हो उस समय फ्रूटिंग टाइम होता है, हार्वेस्टिंग टाइम होता है, उस समय पौधे को पोटाश की आवश्यकता होती है। कोई भी पौधा हो
अच्छा फल, सॉफ्ट फल, सीधा फल, फल की साइज बड़ी हो, जल्दी बड़ा हो, जल्दी जल्दी हार्वेस्टिंग दे, इसके लिए आप 20 से 30 किलो पोटास तीसरी ड्रेंचिंग में आराम से डालेंगे। उस चौथी ड्रेंचिंग होगी 60 से 65 दिन में, तो जिसमें आप 1 किलो हुमे केसर तो 10 से 20 किलो डीएपी, 10 से 20 किलो यूरिया की घटती चली जाएगी, और पोटास 20 से 30 किलो आप फिर डालेंगे। अब इसकी पोटास की मात्रा आप समझिए कंटिन्यू चलेगी जब तक कि आपको हार्वेस्ट करनी है। आप दो डोज में 20 से 30 किलो डालेंगे, और तीसरी डोज जब आपको और लंबी फसल चलाना है 2 से 3 महीने, तब उसके बाद की फसलों में आप पोटास को 10 से 15 किलो कर दीजिए, बस बराबर काम करती रहेगी कंटिन्यू। मैग्नीशियम को 2 से 3 किलो कंटिन्यू करके रखिए, सल्फर को 2 किलो कंटिन्यू करके रखिए, साथ में नई चीज़ जोड़ दीजिए बोरान। एक तुलाई के बाद या पहली तुलाई में भी, जैसे आप तीसरी डोज में भी बोरान को डाल सकते हैं। बहरहाल अगर बोरान में खर्च ड्रेंचिंग में ज़्यादा लगता हो तो बोरान को आप कैल्शियम और बोरान स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। खीरा में कैल्शियम और बोरान की बहुत आवश्यकता होती है, जैसे मैंने बताया मैग्नीशियम साथ में लगता है। तो इसमें अगर आप खर्च बचाना चाहें तो एक नया काम बढ़ जाता है कि हर 15 दिन के अंतराल पर, 12 से 15 दिन के अंतराल पर आप स्प्रे के माध्यम से एक 15 लीटर पानी में 60 से 70 ग्राम कैल्शियम जो नाइट्रेट मार्केट में आता है उसको ले लीजिए, और 25 से 20 से 25 ग्राम बोरान घोल के और हर 12 से 15 दिन के अंतराल पर कंटिन्यू खीरे में स्प्रे करिएगा। बोरान की कमी हालांकि एक बार डालने के बाद 15 दिन होती है, लेकिन खीरे बहुत तेज़ी से तोड़ाई देता है, और जितने ही तोड़ाई देगा तो जो खीरे कैल्शियम और बोरान का काम होता है कि फल को का निर्माण करना, फूल का बनाना, मादा फूलों को ज़्यादा से ज़्यादा जन्म देना, उनके लिए इन दोनों की ज़रूरत होती है। तो इस डोज को नीचे डालिए और इन दोनों का स्प्रे करिए, और इस डोज को जो ये यहाँ पे है 60 से 65 दिन में, इसको कंटिन्यू आपको करके रखना है। 15 से 20 दिन के अंतराल पे आप डालते रहेंगे, जब आपको लगे कि आपकी फसल कटाई का टाइम आ रहा है, अब इसको ख़त्म करना है, उसके आप 20-25 दिन पहले इसको मत डालिए, और तब तक डालते रहिए। मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसको 5 या 6 बार खीरे में उपयोग कर पाया, 5 से 6 बार, 6 बार से ज़्यादा कभी नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप इसको 5-6 बार डालते हैं तो ये आपको इतना उत्पादन देगी कि आपको लगेगा कि ऐसा संभव कैसे है, क्योंकि ये एक कमाल की चीज़ है जो लगभग मैंने 12-13 सालों की खेती में यूज की है, और इस पर अनुभव किया है कि जब भी आप इसका उपयोग करेंगे तो अब तक आपने जो खेती की है और जो अब तक काम किया है वो आपका माथा ठनका देगी, और आपको लगेगा कि ये ऐसा कैसे होता है, पर ये ऐसा ऐसे ही होता है, जब करेंगे तो दिखाई देंगे। बहुत सारे लोग मेरे यहाँ आते हैं और कहते हैं कि इतना उत्पादन असंभव है, पर मुझे बहुत ईजीली लगता है उसमें। आप ये मान लीजिए कि 80% रोल इसी डोज का होता है, बाकी 30-35% और ढेर सारी काम और ढेर सारी चीज़ें, व्यवस्थाएँ, सिस्टम मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक बीघा में हमने 1 एकड़ में कितने पौधे लगे हमारे, हमें कितना उत्पादन चाहिए, पर पौधे से कितना निकालेंगे हम, तब हमारे उत्पादन का टारगेट होगा। अगर इस तरह से कैलकुलेट करके आप खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आप ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन पाएंगे, और इतना पाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ अब खेती बढ़िया है। पॉली हाउस और नेट हाउस जैसा उत्पादन अगर 100% नहीं देगा तो मैं 95% कह सकता हूँ कि उत्पादन देता है, तो कोई कमी नहीं होती, और सीज़न का कोई इश्यू नहीं आएगा। जैसे गर्मी जाके अगर आप फरवरी में लगाते हैं तो ये अप्रैल मई तक आराम से चलेगा, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी आप अगर इसका उपयोग करते हैं तो आपकी फसल सारी समस्याओं को झेल ले जाएगी, और इस दो इसको जब आप डालेंगे तो आपको लगेगा कि ये बढ़िया है। ये कई तरह से काम करती है, गुड़ की वजह से इसमें ढेर सारे जीवाणुओं का इस्तेमाल होता है। अगर आप इसमें चाहें आपको उपलब्ध हो जाए तो आप इसमें फॉलिक एसिड का उपयोग हर डोज में 2 से 5 किलो के बीच में कर सकते हैं, ये बेहतर रहेगा। नहीं उपलब्ध होता है तो गुड़ है, काफ़ी काम चल जाएगा। हुमिक एसिड में भी फॉलिक एसिड की मात्रा होती है, फसल को इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो आपकी जो मिट्टी में पड़ी हुई खाद होती है उसको उठा के रखता है। तो ये जानकारी थी जो मेरे पास, मैं आपको देना चाहता था और मैंने आप तक पहुँचाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।